हेलो, मैं इसी बीच आपके साथ हूँ। मेरे हाथ में M30S का फ़ोन है और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सैमसंग ने इसे बहुत बहुत अच्छा बनाया है। अमेजन में ये काफ़ी ज़्यादा बिका भी है, बहुत ज़्यादा बिक्री हुई। यही देख करके उन्होंने M21 लॉन्च किया, क्योंकि ये इस सेगमेंट में, जो प्राइस सेगमेंट में, उससे सबसे बेस्ट फ़ोन है मुझे जैसा लगता है। बाकी सब भी अच्छी कंपनी है, पर सैमसंग तो सैमसंग है, आप लोगों को सब पता ही है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसके हिडन ऑप्शंस, मतलब कि फ़ोन को फास्ट कैसे कर सकते हैं M30S फ़ोन को। देखिए, M30S फ़ोन में क्या होता है कि M30S फ़ोन में ही नहीं, हर फ़ोन में ऐसा होता है कि नीचे एक सॉफ्ट डेवलपर ऑप्शन दिया रहता है। डेवलपर ऑप्शन में आप जाएंगे और क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और इसको आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, पर इसे छेड़छाड़ ना ही करें तो बेहतर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बताता रहूँगा, पर फिलहाल तो मुझे ये बताना कि आपको फ़ोन कैसे फास्ट करना है। तो यहाँ पे विंडोज़ एनिमेशन इसके लिए नॉर्मली किसी का 1 रहता है, 1 इंटू, इसे आप ऑफ़ कर दीजिए, जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया, ऑफ़ कर दीजिए। ऑफ़ कर दिए, जैसे मैंने ये तीनों ऑप्शन, विंडो एनिमेशन स्किल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्किल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्किल, ये तीनों ऑफ़ कर दीजिए। अब देखिए, आपका फ़ोन बहुत फास्ट हो गया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आपने देखा, मैंने चंद सेकंड में ही दबाया और बिना एनिमेशन के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको ऐसे बहुत सारे टिप्स देता रहूँगा, बस यही फ़ोन से रिलेटेड नहीं, हर फ़ोन से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने बताया, ये हर फ़ोन में काम करता है। आप किसी भी फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन में जा करके ऐसा कर सकते हैं, आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।